ये सुवर्धा पैदा हो रही है। अच्छा तू कहे तो रोजू कुछ भी कहे इसमें कहूँ क्या मैं? नहीं आप, आप अच्छा है मैं बता रहा हूँ तुम मैं पेड मीट रखी पंचायत की भी रिश्ते धंधे की भी। अच्छा अच्छा और जो ये एक एक ढबकू ले लेने सारे को तो मुट्ठी बोझ कर एक ढबकू भाग गए सारे तो सरकार भी भाग जाएगी कहाँ रहे तो ये बिजार ये छोटे ही उजड़ रही है सची मुझे हमारी खेती भी उजड़ गई हम में रे भूखे हैं इस किसान पंचायत में जाओ अगर नहीं हाँ चलेंगे चल तू भी ले चल हमें अच्छा चल हाँ चल भी चल भाई दबन उन्होंने कहा अभी राकेश टिकैत को हम जान देंगे आप भी जान नहीं भाई यहाँ पे सारा इलाका उन्हीं का है उन्हीं के लिए मतलब जो है ना अपनी जान भी देने के लिए तैयार यहाँ तो बस सारी जाट ही मान लो तुम 84 गाँव जट्टों के चौधर यहाँ से है वोट तो जागी। अच्छा दोनों हाथ में लड्डू ले रहे हाँ दोनों हाथ में ले रहे योगी को भी देंगे दोनों हाथ में कुकर काम दोनों हाथों में तो करना पड़े ना काम विजय योगी ना भला करे क्या योगी अन्न लग रहा खुआ चावल भी खुआ रहा अनाज भी खुआ रहा सामान भी वधेरा दे रहा उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अच्छा एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं भाई। उत्तर प्रदेश चुनाव और महापंचायत अब दोनों ही आगे कल पंचायत है मुजफ्फरनगर में यहाँ पे और मैं आपको बता दूं सिसोली के कुछ नज़दीक एक गांव है ये पड़ोसी गांव है कौन सा गांव है जी चरोली गांव है हम वहां पर पहुंचे हैं और पहुंचते पहुंचते हम इस तरफ मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहे थे इस तरफ से आ रहे थे असेंबली की तरफ से तो इनसे बात करेंगे इनके गाँव से कितना सहयोग किसानों की तरफ है और कितना सहयोग नहीं है। आइए कुछ पूरे गाँव वाले मौजूद हैं मेरे साथ यहाँ पर खेलने लग रहे थे और इनसे बात करेंगे बारी बारी से चुनाव को लेकर और पंचायत को लेकर इनकी क्या राय है। राम राम जी राम राम और ठीक हो जी क्या नाम है जी आपका धर्मवीर है। अच्छा धर्मवीर जी क्या रहेगा पंचायत में कल ठीक है जी ने तो कहा था कि लाखों की संख्या में किसान पहुंचेंगे। अच्छा तू कहे तो रोजू कुछ भी कहे इसमें ही कहूँ क्या मैं? नहीं आप, आप अच्छा है मैं बता रहा हूँ तुम चौधरी तो गड्डी को खींच रहा था बढ़िया डाल आई समझ में सबको एक ढब ले रहा था 36 कौम को जी जी और ये जो उनसे उठ रहे नहीं इन्होंने पेड मीटर रखी पंचायत की भी रिश्ते धंधे की भी। अच्छा अच्छा और जो ये एक एक ढब को ले लेने सारे को तो मुट्ठी बोझ कर एक ढब को भाग गए सारे तो सरकार भी भाग जाएगी कहाँ रहे। अच्छा मतलब क्यों ऐसा क्यों लगे आपने पहले में जैसे बाबा टिकैत जी हुए और राकेश उसकी चेढ़ी पावर इनकी क्या पावर चेढ़ रही इनके तो 3-4 गांवों में बुला के उनकी सच्ची पूछे कहीं फैसला भी नहीं हुआ। अच्छा जी हाँ लेकिन वहाँ पर किसानों की जो मांग लेकर के वहाँ बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे लगा ले मुझे पता नहीं कौन बैठा नरेश बैठा राकेश टिकैत जी राकेश नहीं जानता मैं नहीं जानता मैं तो नरेश को जानू और नहीं जानता नरेश राकेश टिकैत कौन जानते हैं राकेश टिकैत को ना उसे नहीं जानता मैं कुछ भी देखा भी नहीं माज लो नरेश टिकैत को तो जानते हो गए हाँ इसे नरेश को जाने कैसे लग गया अपने नेता किसान नेता है बस देखे जो इसमें खड़ा होगा हाँ किसमें इस मामले में किसानों के मामले में खड़े तो है पंचायत में हाँ दोनों भाई पूरा मांग पूरी करो ये बिजार ये छोटे ही उजड़ रही है सची मुझे हमारी खेती भी उजड़ गई हम में रे भूखे हैं इसी मांग को लेकर के तो पंचायत हो रही है वहाँ से ये योगी ने कर दिया चौधरी की उसकी टिकेट की उसी की तो हो रही वैसी तैसी हाँ 36 कौम गैल थी फिर तो किसान पंचायत में जाओ अगर नहीं हाँ चलेंगे चल तू ही भी ले चल हमें अच्छा चल हाँ चल ही भी चल भाई दबाद पूछ रहे ना आप मेरे आप नुकारे भाई राकेश जी का था नाम जानते हैं जानते हैं। अच्छा इन तौर बात कर ले भाई कुछ किसान और हमारे साथ मौजूद है और इस तरफ भी युवा खड़े हैं युवा आजकल पीछे है इस चीज को लेकर ही पीछे है कि वे कुछ कहना चाहते और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करेंगे। नमस्कार नमस्कार जी आ जाओ रे ना आज फिर हाँ जी आज आजो यहाँ से आ जाओ यहाँ से आ जाओ हाँ जी हाँ भाई हम सब चौधरी साहब के साथ है और उनके साथ ही रह गए और पंचायत में पूरी जोर शोर के साथ में भाग लेंगे। क्या नाम है आपका? अली हसन। उन्होंने ये कहा अभी राकेश टिकैत को हम जान देंगे आप भी जान नहीं भाई यहाँ पे सारा इलाका उन्हीं का है उन्हीं के लिए मतलब जो है ना अपनी जान भी देने के लिए तैयार बैठे। अच्छा जी हाँ अच्छा फिर किसान महापंचायत में कितने गाँव के लोग जाएंगे यहाँ से? किसान महापंचायत में आप देख लेना 5 तारीख को वहाँ पूरा जबरदस्त काम होगा पंचायत का। और चुनाव को लेकर क्या प्रोग्राम रहेगा? चुनाव को भाई जैसे जो है ना देखेंगे माहौल क्या हो क्या नहीं वैसे तो जो है ना सरकार किसान विरोधी हो रही है किसान विरोधी रही। अच्छा राकेश टिकैत अपने जो किसान नेता सिसोली से वे तो कह रहे भाई बीजेपी को वोट नहीं देने
नहीं बीजेपी को वोट नहीं देने की भाई, जी मेरे चौधरी साहब जो है ना मतलब जो है ना सारे किसानों की साथ में ऐसा हो रहा तो फिर उन बीजेपी को वोट कहाँ से दे देंगे। अच्छा जो ये कानून तीन सरकार ले आई है आपके हिसाब से क्या ठीक है ये कानून? नहीं ये गलत है बहुत कानून, ये गलत है बहुत कानून, गलत है गलत। हाँ जी आप क्या कहना चाहेंगे राकेश टिकैत जी जो पंचायत कर रहे हैं और हरियाणा वाले काफी जो लोग हैं यहाँ के भी ये नु कहा करते भाई उत्तर प्रदेश भी छह किसान आंदोलन के मामले में? नहीं पीछे नहीं है तो सब इसी के साथ है, सभी के साथ है, सब साथ है, सब साथ है। जट्टों का इलाका है, गरीबों को भी इनकी साथ रहना पड़े। अच्छा कि जट्टों का इलाका कितने लोग कितने परसेंट जाट है इस एरिया में? यहाँ से तो बस सारे जाट ही मान लो तुम, 84 गांव जट्टों के हैं, चौधर यहाँ से है 284 चौधरी के। अच्छा अभी योगी काम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी बहुत बढ़िया काम कर रहा, सारे काम बढ़िया कर रहा, राशन भी बढ़िया दे रहा, पुल भी बनवा दिए, सड़क भी बनवा दी, बहुत अच्छे काम कर रहा योगी में, कोई कमी नहीं है। एक कमी करी है, बछड़े छुटवा दिए इनका नहीं इंतजाम करा कुछ भी, इन्होंने खेती खा दी सब, छोटे छोटे भी उजाड़ दिए किसान, जिस खेत में बढ़ जा 20-20-30-30 हज़ार बढ़ जा और वह खेत को नष्ट कर दे बिल्कुल। अच्छा क्यों छटवाए हैं, क्या क्या लगता है? ये योगी ने बंद करवाए, हाँ गया हत्या ना हुआ कटाना गौशाला में, कोई इन्हें भेजता नहीं वहाँ, हाँ काम है। अच्छा फसल बर्बाद करें, फसल बर्बाद करें, वैसे भी भूखे मर गए वहाँ से गौशाला में बंद हो रहे जो उनसे, उनका कोई राशन पानी नहीं है। अच्छा फिर यू क्या लगता है ये दोनों कह रहे भाई किसान बीजेपी को वोट नहीं देनी अब की बार? नहीं बीजेपी को भी देंगे, किसान भी देंगे और गरीब जनता बतेरी है, वोट तो दोनों डबी जाएगी जाएगी, हाँ वोट तो जाएगी। अच्छा दोनों हाथ में लड्डू ले रहे, हाँ दोनों हाथ में ले रहे, योगी को भी देंगे दोनों हाथ में कुकर काम, दोनों हाथों में तो करना पड़े ना काम। विजय योगी ना भला करे क्या योगी अन्न लग रहा खुआन, चावल भी खुआ रहा, अनाज भी खुआ रहा, सामान भी धोधेरा दे रहा, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अच्छे अच्छे हाँ उसके बारे में सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा जी। हाँ। ये बात करेंगे मेरे प्रयत्न बात आप ये तो बात नहीं करते। अच्छा नु कह रहे योगी ना जी योगी आऊंगे, हाँ उम्मीद हमें तो उम्मीद योगी की है। फिर ये किसान तो करे भी या पंचायत की तो मांग है, किसान तो पंचायत नु करे अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कर रहे, बिजली के बिल इतने बढ़ रहे, सरकार मानती तो नहीं उनकी बात, हाँ तो मानना पड़ेगा सरकार को, तो मानना पड़ेगा ये तीन कानून ले रखे गलत है, मानना पड़ेगा। राकेश टिकैत नु करे 2024 तक बैठना पड़ेगा वहाँ, नहीं ये जो पंचायत कर रही है यह बहुत महापंचायत है, कई प्रदेशों के आदमी आओगे यहाँ किसान, हाँ बस सब उस पर फिर वहाँ दिल्ली जाएंगे सब। आप तो यहाँ से खेलने लग रहे, कोई तैयारी कुछ करी नहीं आपने? हम तो यहाँ जागते में खेल ले, ये कल की तैयारी में है, कल को चलेंगे सब बैठ बैठ कर ट्रॉली में, चलो वही पड़े बड़ी बार में योरा मुजफ्फरनगर, हाँ 19 किलोमीटर है, हाँ बिल्कुल भाई। कौन सा गाँव बताया आपने? चरौली, चरौली गाँव में आए थे और भाई पता नहीं लग गया, मैं समझ नहीं पाया नहीं कुछ बात, एक तो योगी से भी खुश हैं और जो ये बिल बनाए हैं इनका विरोध भी करते हैं, और इस इनका मतलब ये है कि भाई ये जो कानून बनाए हैं ना ये गलत है, ये गलत है, बस ये गलत, ये विचार छोड़े गलत है, ये विचार छोड़ने गलत, ये गलत है, यू काम होता है, हाँ ये ज्यादा गलत कर दिया योगी ने। फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन तो यो है, आप दोनों कह रहे सोल्यूशन सरकार तो मानने को बात नहीं तेरी आपकी तैयार, और किसान नु कह रहे भाई बीजेपी को वोट नहीं देनी, नहीं बीजेपी जी मगर ये बिल जो चल रहा है ये क्या नाम 800 रुपये यूनिट बतावे हो रही इनका पट रहा है गरीब बाबा यहाँ जी, और 3.5 रुपये यूनिट है जी, 3.5 रुपये यूनिट है, क्या 5 है, 3.5 बुझ जाता हूँ 3.5 रुपये चल रहा 5 ही होगी। अच्छा फिर बिजली की समस्या तो आपकी कंप्लीट कर दी ना? बिजली की समस्या क्या, बिजली 24 घंटे बिजली तो आ रही, बिजली को नहीं कह रही राज में इतनी बिजली नहीं आई जितनी इसमें आ रही है जी, योगी राज में जो बिजली आ रही किसी के राज में इतनी बिजली नहीं आई, बिल तो ज्यादा रहे, बिल ज्यादा आ रहे, बस बिल ज्यादा है, बिल बढ़ा दिए, और जो ट्वेल्लो की जमीन है उन पे बिजली ले रखी उन पे भी बिल ज्यादा है। जिसका मीटर नहीं है 2200 रुपये कर दी इसकी, जिसका मीटर है उसका देख हाल क्या हो रहा, जिसका मीटर नहीं 2200 रुपये कर दी इसकी, मतलब जिसका मीटर नहीं क्या बोले 2200 रुपये महीना, 2200 रुपये महीना जिसका मीटर नहीं है, फिर कौन से फायदा पड़ा? बस इसमें तो फायदा कोई समय भी नहीं है, मीटर में नहीं हुए बाजा कम भी चला था, बिजली कम चला में फिर भी बिल ज्यादा में, हम तीन पंखे चला में 1600-1700 का बिल आवे, बस फिर भी बिल आ रहा है इतना, तीन पंखों पे। अच्छा जी 250-300 रुपये महीना, आ जाओ रे ना, आ जाओ आप भी आ जाओ, कोई बात नहीं आपकी बड़स चले जाएगा जी, मंडी बंद कर दी कहाँ बेचा का तू पहले के बेचे ईब के काम, मतलब किसान एक बात होती है गन्ने का पेमेंट टाइम पे हो जाएगी, नहीं होता टाइम पे नहीं होता गन्ने का पेमेंट, दो तीन दिन का मतलब ये है, और मुजफ्फरनगर पंचायत है
देखते हैं क्या सफल रहेगी। सफल बनाना तो इनके हाथ में है भाई, और पूरे प्रदेश देश के किसान आओगे वहाँ भी देखेंगे क्या मूल रहेगा, लेकिन इनके समझ में नहीं आए कुछ उस